चलिए अपने एमपी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं आज हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैथिली शरण गुप्त जिनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि घोषित किया था उनकी किताब भारत भारती के बाद जो 1912 में आई थी चलिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करते हैं और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो अवार्ड देता है उनके नाम पर उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है महात्मा गांधी द्वारा ठीक है इनको पद्म भूषण मिल चुका है 1954 में और ये एक हिंदी पोएट थे जिन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया था इनकी कविताएं खड़ी बोली पे ही लिखी गई हैं इनकी कुछ किताबों के बारे में यदि बात करूं तो भारत भारती 1912 मैंने आपको बताया था का युद्ध साकेत रंग में भंग वध मातृभूमि ये याद रखिएगा भारत भारती का युद्ध साकेत रंग में भंग जजत वध और मातृभूमि ये कुछ पोयम्स हैं उनके द्वारा जो लिखी गई हैं इनको पोयम के लिए ही इनका जो अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है ये पोयम के लिए ही दिया जाता है जो लोग आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं हिंदी पोएट्री के फील्ड में उन लोग को दो लाख रुपए दिए जाते हैं एज अवार्ड ये अवार्ड 1987-88 से, एट से स्टार्ट हुआ था इनके कुछ अवार्डीज की बात कर ली जाए तो डॉक्टर शिव कुमार तिवारी जबलपुर से 2019 का अवार्ड मिला था इनको सचिनानंद जोशी न्यू दिल्ली से है जिनको 2020 का अवार्ड मिला था डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्ता गोरखपुर से इनको 2021 का अवार्ड मिला है लेटेस्ट मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्ता गोरखपुर से उनको मिला है ऐसी सीरीज के लिए जुड़े रहिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सिविल पांडव